कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने लगाया ईवीएम में धांधली का आरोप, स्ट्रांग रूम के बाहर दिया धरना, भाजपाइयों में मची खलबली। जी हां, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आगरा की सभी 9 सीटों पर मतदान हो गया है, लेकिन अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आगरा की देहात सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उपेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पर सत्ता के इशारे पर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि ईवीएम की सीलिंग प्रक्रिया के दौरान अधिकृत एजेंट ने उन्हें नहीं बुलाया। इसके साथ ही जब सीलिंग की गई तब सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे थे, इसके बाद उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर ही धरना देना शुरू कर दिया। आगरा NH2 पर स्थित शहादरा सब्जी मंडी स्थल पर 5 विधानसभाओं के ईवीएम रखे गए हैं। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य बीजेपी की उम्मीदवार है। उपेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह पर सीधे सत्ता के इशारे में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने कई चुनाव लड़े हैं और लड़वाए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ईवीएम सीलिंग प्रक्रिया के समय ही ना उन्हें और ना ही उनके अधिकृत एजेंट को बुलाया गया। जबकि कल रात 11:30 बजे जब हमारे समर्थक आरओ के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन 3:30 बजे जब हमारे आदमी स्ट्रांग रूम पहुंचे तब तक सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। बता दें, उपेंद्र ने आरोप लगाया है कि ये पहली बार हुआ है जब ईवीएम सीलिंग के वक्त किसी प्रत्याशी या उनके एजेंट से साइन नहीं कराए गए। यही नहीं, सीलिंग के वक्त की सीसीटीवी भी उन्हें नहीं दी जा रही है। यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी हैं वे काम नहीं कर रहे हैं, उनके तार निकल पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी हर हाल में बीजेपी नेता बेबी रानी मौर्य को जिताना चाहते हैं।